माँ तेरी ममता कितनी, माँ तेरी ममता कितनी, कितना प्यार जगाती है। माँ तेरी ममता कितनी, कितना प्यार जताती है। श्वास श्वास की रक्षा करती, पग पग प्राण बचाती है। श्वास श्वास की रक्षा करती, पग पग प्राण बचाती है। श्वास श्वास की रक्षा करती, पग पग प्राण बचाती है। श्वास श्वास की रक्षा करती, प्राण बचाती है। माँ तेरी ममता कितनी, कितना प्यार जगाती है। माँ तेरी ममता कितनी, कितना प्यार जगाती है। श्वास श्वास की रक्षा करती, पग पग प्राण बचाती है। श्वास श्वास की रक्षा करती, प्यार बचाती है। हे माँ, 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 ब्रह्मा की भक्ति मां, तुलसियों की रीति सिद्धि, तू ब्रह्मा की भक्ति मां, तुलसियों की रीति सिद्धि, तू ब्रह्मा की भक्ति मां, तुलसियों की रीति सिद्धि, तू ब्रह्मा की भक्ति मां, ओ विष्णु की माया देवी, ओ शंकर की शक्ति मां, की गोद में लेकर जीवन गीत सुनाती है। तू बालक को गोद में लेकर जीवन गीत सुनाती है। श्वास श्वास की रक्षा करती, पग पग प्राण बचाती है। श्वास श्वास की रक्षा करती, पग पग प्राण बचाती है। माँ तेरी ममता कितनी, कितना प्यार जगाती है। माँ तेरी ममता कितनी, कितना प्यार जगाती है। श्वास श्वास की रक्षा करती, पग पग प्राण बचाती है। श्वास श्वास की रक्षा करती, पग पग प्राण बचाती है।
Oh, hey, hey, hey.
कभी राम के अवतार में, कभी कृष्ण के अवतार में, कभी नरसिंह के अवतार में, कभी वामन के अवतार में, कभी बारह के अवतार में, कभी मत्स्यावतार में, कभी कूर्म अवतार में, कितने अवतार लिए भगवान नारायण ने। इसलिए माँ भगवती ने ही आशीर्वाद देकर के कहा, नारायण तुमने सबसे पहले मेरा अम्बा यज्ञ किया है, इसलिए तुम्हारी अनेक तो अवतार होंगे और जगह जगह पर आपके मंदिरों की स्थापना होगी। प्रेम से कहो जय माता दी। जिस प्रकार सृष्टि में राष्ट्रपति कार्य करता है, उसी तरह से माँ अम्बा सबको निर्देश करती है। उसी प्रकार भगवती पराम्बा मणिदीप में विराजमान होकर के केवल आदेश करती है और सब उस कार्य में जुट जाते हैं। जो नवरात्रि में माँ का व्रत करते हैं, माँ की ज्योति जलाते हैं। अच्छा, ज्योति जलाने का कारण क्या है? क्योंकि माँ का जो स्वरूप है वो ज्योतिर्मय है। इसलिए जिन घरों में मैया भगवती की पूजा होती है, अर्चन होता है, वंदन होता है, उनके घर में माताओं ज्योति का भी प्रज्वलित किया जाता है। 9 दिन तक अखंड ज्योति जला के रखते हैं, ज्योति बुझ न जाए, क्योंकि माँ का जो स्वरूप है वो ज्योतिर्मय है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी कन्याओं को और कितनी कन्याओं को, कई बार फोन करके पूछते हैं हमसे, पाठ कर सकते हैं कि नहीं, हम रामायण का करें कि नहीं करें, कन्या कितनी पवा में। तो आज हम इस कथा के माध्यम से सारी चर्चा बताएंगे कि कितनी उम्र की कन्या को भोजन कराना चाहिए और कितनी कन्याओं को नवरात्रि में भोजन करना अनिवार्य होता है। जो नवरात्रि में मैया को भोग लगाते हैं, किस महीने में कौन सा भोग लगता है, यह भी अलग अलग विधान है देवी भागवत जी के आधार पर। नवरात्रि का व्रत की विधि सारा विवरण आपको मिलेगा। सभा वालों का विचार है कि कैसे, तो घर घर में नवरात्रि का व्रत होता है, पूजन होता है, लेकिन लोगों को विधि नहीं पता। और देखो, विधि नहीं पता होगा तो उसका पूरा फल कैसे प्राप्त होगा? विधि के द्वारा जो कार्य किया जाता है उससे पूर्ण फल प्राप्त होता है। और ध्यान देना, पूजा करने के लिए, पाठ करने के लिए किसी विद्वान ब्राह्मण को ही बुलाना चाहिए। ऐसे ही ब्राह्मणों को नहीं बुला देना चाहिए। इसलिए कहा है, विद्वान ब्राह्मण से अपना कार्य करें। जीवन अपना पवित्र रखो, खान पान पवित्र रखो। इसलिए जब हम कथा करते हैं तो पहले ही निर्देश कर देते हैं, भैया जो यजमान कथा कराने वाले हैं वो कृपया नियमों का पालन करें। देखो, जीवन में नियम नहीं है। अरे, हमसे तो अच्छे वो पशु पक्षी ही हैं जो नियम करते हैं, हमसे अच्छे तो जानवर हैं जो नियम का पालन करते हैं, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा है जो कभी नियम का पालन नहीं करता है। और जिनके जीवन में नियम नहीं है वो पशु तुल्य हैं, पशुओं से भी मैं तो कहता हूँ गिरे हुए हैं, जिनके जीवन में कोई नियम नहीं है। इसलिए जीवन में एक नियम होना चाहिए। हमको स्नान करके पाठ करना है तब कोई कार्य करना है, या कोई शारीरिक समस्या है तो आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन करना अवश्य है। कैसे कैसे दीन दुखी व्यक्तियों को माँ की सेवा करने से महान बने हैं, ऐसी सब चर्चाएं देवी भागवत के आधार पर हम आपको सुनाएंगे। ये आपको सुना कि परम्बा भगवती महामाया के द्वारा ही संसार की रचना हुई है। माया में सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण हैं, और जिसके हृदय में जो गुण होता है उसी का प्रभाव उसको जीवन में दिखाई देता है। किसी के अंदर रजोगुण, किसी के अंदर तमोगुण, किसी के अंदर सत्वगुण,
तो जो जैसे गुण के अधीन होता है फिर उसको वैसा ही गुण का प्रभाव दिखाई पड़ता है। जिस महाराज प्रकृति के तमोगुण अंश के से पंच महाभूतों का निर्माण हुआ, आज हमने शुरुआत में ही देवी भागवत करना प्रारंभ कर दिया। हमने कहा आज सिर्फ कथा ही सुनाएंगे। पंच महाभूतों से प्रकृति का निर्माण हुआ, रजोगुण से इंद्रियों का निर्माण हुआ। ये जो इंद्रियां हैं ना, वो स्वामी जी कहते हैं होएन विषय विराग भवन वसत भा चौथपन। चौथी अवस्था आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन ये जो विकार है ना, ये कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। और साची बात कहूं ना, ज्यादा ममता बुढ़ापे में ही आवे। जवानी तो निकल जाए, बचपन भी निकल जाए, लेकिन बुढ़ापा जब होता है तो ज्यादा आसक्ति आ जाती है। इसलिए होइ न विषय विराग भवन बसत बा चौथपन। जैसे मकान बनाने के लिए अनेक स्थानों से सामान लाकर के एकत्रित किया जाता है, तब जाकर के मकान खड़ा किया जाता है। कहीं से सरिया, कहीं से सीमेंट, कहीं से ईंट, कहीं से मिस्त्री, कहीं से कुछ। वैसे ही मैया ने 24 तत्वों से मिश्रित होकर के एक भवन का निर्माण किया। ये जो माँ भवन बना रही है ना, ये कोई और भवन नहीं है सज्जनों बंधुओं, ये हमारा शरीर ही है। इस शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 पंच प्राण, 5 विषय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये 24 तत्वों से ये शरीर निर्मित है। वैसे तो भागवत जी में भी कपिल देवहूति संवाद में ये बहुत बड़ा विवरण आया है। मैया ने कहा कि माँ ये जो इंद्रियां हैं ना, ये मुझे अपनी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आंख चाहती है सुंदर देखना, कान चाहते हैं सुंदर सुनना, वाणी चाहती है सुंदर बोलना, नासिका चाहती है सुंदर सूंघना, और हाथ चाहते हैं स्पर्श करना। तब मैया से प्रश्न किया है देवहूति ने, निर्विष्णाम नितनाम भूमन सन्निंद्रियात तर्षणा येन सद्याप्यमानेन प्रपन्नाध्यं तम प्रभु। ये जो इंद्रियां हैं मेरी अपनी अपनी ओर खींचती हैं, मेरा मन भगवान में कैसे लगे। प्राण, पंच प्राण, 5 प्रकार की इंद्रियां, ये मन। अच्छा, ये इंद्रियां तो लग भी जाएं, जैसे तैसे करके चलो, लेकिन ये दारी को मन नहीं लगे। कई बार होता ना, मेरा मन डोले मेरा है भैया, जैसे कल मन नहीं लग रहा था ना, तो कभी मन लगता है और कभी नहीं लगता है। तो समझाना मन को है। मन को समझाने की बात भागवत जी में कही गई, मन को समझाने की बात रामचरितमानस में कही गई। गोस्वामी जी ने दो ही काम किए, अपने मन की व्यथा को भगवान को सुनाया। जो भी मन में आता है ना, वो भगवान को सुना रहे। अपने मन की व्यथा को भगवान को सुनाया और भगवान को, भगवान की कथा मन को सुनाई। तो ही काम किए, सुने सठ मना, मन जागी राजहु मिलहि सोबर सहज सुंदर स्थावरो। मन जागी राजगी मिलगी सुंदर सहज सुंदर सावर। मन राजी, जब मन संसार को त्याग करके भगवान में लग जाता है
तो मन को ही समझाना है, मन को ही एकाग्र करना है। 25वां चेतन तत्व शुद्ध स्वरूप वाला परमात्मा है, जगदम्बिका है, अंबिका है। वह मूल में मिट्टी ही है। अच्छा ये बताओ, घड़ा किससे बनता है? अरे बोलो ना मैया, मिट्टी से बनता है ना। अब मिट्टी से तो हमने घड़ा बना दिया और फिर हमने घड़े को तोड़ दिया तो फिर वो मिट्टी में मिल गया। तरंग जल से पैदा होती है, समुद्र में तरंग आती है, जल से पैदा होती है, लेकिन पुनः आकर के जल में ही समाहित हो जाती है तो वो जल की ही तरंग। जीव भी शुद्ध चेतन तत्व प्रकृति के सहयोग से ईश्वर से उत्पन्न हुआ और उसी में उसका जीवन है, अंत में उसी का विलीन हो जाया करता है। ये क्यों पर कृपा करती है? एक देवव्रत नाम के राजा थे, ब्राह्मण थे। एक देवव्रत नाम के ब्राह्मण बहुत ही सदाचारी, धर्मनिष्ठ, भजन करने वाले, पूजन करने वाले। देवयोग से उनके कोई संतान नहीं थे, कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। गृहस्थ जीवन में अगर विवाह हो जाए मैया, और अगर विवाह के बाद में एक साल तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे दूसरी साल हुए तो सास भी कहने लग जाए अरे बहू, फिर दो साल भी अगर जैसे तैसे कट जाए तो तीसरी साल तो पड़ोसी भी कहने लग जाए। और बिना पुत्र के पिंडदान कैसे हो? पुत्र नाम के नरक से तो पुत्र ही निकालता है, इसलिए लोग पुत्र होने पर ज्यादा प्रसन्नता अनुभव करते हैं। देवव्रत ने पुत्रिष्टि यज्ञ कराया और जब पुत्रिष्टि यज्ञ हुआ तब एक ब्राह्मण को बुलाया जिसका नाम था गोविल। देवव्रत ने गोविल नाम के ब्राह्मण को बुलाया और यज्ञ कराया। अब गोविल जब मंत्र बोलते थे तो उनको थोड़ा श्वास की परेशानी थी, श्वास लेने में थोड़ी दिक्कत थी उनको। तो जब मंत्र बोलते थे तो राजा को भी मंत्र आते थे, क्योंकि वो भी बड़ा सदाचारी ब्रह्मनिष्ठ तो था ही, लेकिन जैसे ही वो करते तो कुछ श्वास लेने में मंत्र उनको राजा को ऐसा लगता कि अशुद्ध बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो देवव्रत ने कहा अरे ब्राह्मण तुम मूर्ख हो गए हो, तुमको मंत्र शुद्ध नहीं आते हैं, तुम्हें मंत्र शुद्ध बोलने चाहिए। गोविल ने कहा महाराज हमको तो मंत्र शुद्ध आते हैं, लेकिन हमें श्वास के कारण थोड़ा मंत्र बोलने में दिक्कत हो रही है। श्राद्ध में ब्राह्मण को बुलाने पर उसे बढ़िया से बढ़िया भोजन करा मैं। कई लोग कहते हैं अरे ब्राह्मणों पे क्या है, खाना पीना ही रह जाता है। मैं कहता हूं ब्राह्मणों जैसा कोई कार्य ही नहीं है। भोजन दो, द्रव्य दक्षिणा और वस्त्र दो, ये समझकर कि हमारे पितर भी इस भोजन को कर रहे हैं। आनंद रामायण में लिखा है, आनंद रामायण पढ़ी होगी आपने। आनंद रामायण में लिखा है कि जब भगवान राम ने अपने पिता का श्राद्ध किया तब ब्राह्मणों को बुलाया, और जब ब्राह्मण सामने आए तब भैया सीता जी ने घूंघट डाल लिया, घूंघट कर लिया ब्राह्मणों के समक्ष। बोले क्यों? बोले क्योंकि मेरे महाराज दशरथ का, मेरे ससुर जी का श्राद्ध हो रहा है, और इन ब्राह्मणों के भीतर बैठ करके जो प्रेतात्मा होती है, जो पितृलोक होते हैं, वो उसी ब्राह्मण के मुख से भोजन करते हैं, इसलिए मैया जानकी ने घूंघट डाल लिया। ससुर के सामने थोड़ा पर्दा होना ही चाहिए, लेकिन आजकल मॉडल जमाना है, कहते हैं अरे हम भी तो पिता को छोड़ के आए तो ये भी हमारे पिताजी हैं, माना कि पिताजी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा पर्दा होना चाहिए।
यद यद आचरितम् सृष्टः तत्त देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्यं दनुवर्तते। इस बात को तो शास्त्र भी कह रहा है, पर्दा होना चाहिए। हाँ, और कुछ बात ऐसी होती है समाज में कि जिनका पर्दा भी होना ही चाहिए। पर्दे में रहने दो, मेरी कहने की जरूरत नहीं, सब समझ जाते हैं। प्रेम से कहो जय माता दी। तो पर्दा होना ही चाहिए। यद यद आचरितम सिस्टम, जो मैया जानकी ने पर्दा किया, जब माँ भगवती जगदम्बिका, माँ जानकी भी तो दुर्गा का ही स्वरूप है, आदि शक्ति का ही अंश है। माँ जानकी गौरा इस सब आदि शक्ति का ही स्वरूप तो है। जैसे ही ब्रह्मदत्त ने यज्ञ में वर्ण की हुए आचार्य को जब कहा, कह रही तुमको तो मंत्र ही नहीं आते, तुम अशुद्ध मंत्र बोलते हो, गलत मंत्र बोलते हो, तुम मूर्ख हो। गोविंद ने कहा, महाराज मंत्र तो मैं शुद्ध ही बोल रहा हूं, लेकिन श्वास अटकने के कारण से मंत्र अशुद्धि हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है, अभी तो मैं तो शुद्ध ही मंत्र बोल रहा हूं। और जब गोविंद को इतना कहा तो गोविंद को क्रोध आ गया। तब गोविंद को क्रोध आ गया और गोविंद ने कहा, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, जो तुम्हारा बालक होगा वो पत्थर जैसा होगा, माने मूढ़ होगा, मूर्ख होगा। और आपने हमको कहा है ना कि हम शुद्ध मंत्र नहीं बोल पा रहे, तुम्हारा बच्चा गूंगा भी होगा, बोल नहीं पाएगा, जड़ बुद्धि होगा। इतना जब कह दिया, अब तो देवदत्त जो है अब घबरा गया, कहा रे महाराज मुझको क्षमा कीजिए, मैंने ब्राह्मण को, कई लोग तो ब्राह्मणों को घर में पूजा पाठ के लिए बुलाते हैं मनीष भैया, और जरा सा ब्राह्मण लेट हो जाए ना तो फिर देखो, अरे पंडित जी तुम्हारे चक्कर में हमारा ये काम हो गया, वो काम हो गया। ये बताओ, तुम ब्राह्मण को बुला रहे हो, किसी नौकर को बुला रहे हो? ब्राह्मणों के साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे नौकरों के साथ में करते हैं, इसलिए तुम्हारा वह कार्य कराने का फल जो है वो निष्फल हो जाता है। ध्यान देना, ब्राह्मण यदि घर से प्रसन्न होकर के जाए ना और वो कुछ भी नहीं करे, पूज्य चरण श्री मल्लुक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं, ब्राह्मण तुम्हारे घर में आकर के वो कुछ भी कर जाए, जैसा भी कर जाए, तुम्हारा फल तुमको पूर्ण मिल जाएगा यदि ब्राह्मण घर से प्रसन्न होकर के जा रहा है। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड के दोहा नंबर 125 के नीचे चौथी चौपाई में लिखा, संत हृदय न बनीत समाना, संत हृदय I'm not afraid to die।
कहा महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से अपराध बन गया। ब्राह्मण और संत बड़े कोमल हृदय के भी होते हैं। ब्राह्मण ने कहा देखो देवदत्त, हमने तुम्हें श्राप तो दे दिया है, बालक तो तुम्हारा वैसा ही होगा जैसे हमने आपको कहा है, मूर्ख होगा, मूक होगा, लेकिन अब तुमने इतनी हमारी प्रार्थना की है, लेकिन थोड़े समय के बाद में वह बालक माँ भगवती की कृपा से वो बड़ा विद्वान हो जाएगा। प्रेम से कहो जय माता दी, जरा जोर से बोलो और जोर से, दारी क्यों गर्मी मान रहे हो। इतना आशीर्वाद देकर के गोविंद चले गए और सज्जनों माँ भगवती की कृपा से देवदत्त के घर में एक बालक ने जन्म लिया। वो तो पत्थर की मूर्ति जैसा ही था, बालक तो था ही लेकिन पत्थर की मूर्ति की तरह। मंद बुद्धि नाम, बुद्धि नाम की तो कोई चीज ही नहीं, न स्नान करना, न संध्या करना, न पूजा करना, न पाठ करना, कोई मंत्र से याद नहीं होता था। उसके पिताजी ने पढ़ाने और सिखाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कुछ सीख नहीं पाया। लेकिन उसे एक गायत्री मंत्र तक याद नहीं। देखो मैं किसी को द्वेषाभाव से नहीं कह रहा, ये वेद में भी लिखा है और देवी भागवत जी में भी वर्णन है इसका। गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मण को है। बाबा गायत्री मंत्र को केवल ब्राह्मण पढ़ सकता है। ये 24 अक्षर जो मंत्र है ये ब्राह्मण के लिए। दूसरी बात, वेद कहता है कि जब हमको वेद पढ़ाया जाता था तब गायत्री मंत्र जब आता था तो गुरुजन उसे पढ़ाते नहीं थे, गुप्त रूप से ही बता देते। गायत्री मंत्र मुख से बोलने से भी बहुत बड़ा अपराध लगता है। जोर जोर से जो बोलते हैं ना, इसका भी बहुत बड़ा अपराध है। भागवत जी में जो मूल मंत्र प्रहलाद जी को जपाया गया, ध्रुव जी को जपाया गया, उस मंत्र को भी उजागर रूप से नहीं बोलना चाहिए, ऐसा भागवत जी में वर्णन आता है। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा, कि जो शास्त्र लिखित बात है वो बता रहा। चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्णों के लिए अलग अलग मंत्रों का विधान है। ब्राह्मण के लिए 24 अक्षरी, क्षत्रिय के लिए 12 अक्षरी, वैश्य के लिए 5 अक्षरी, शूद्र के लिए अलग अलग सारे विधान है। सब लोगों को अलग अलग मंत्र दीक्षा दी जाती है, लेकिन थोड़े से लोभ के कारण सब गड़बड़ कर दिया। इसलिए मंत्र को कभी माइक पे नहीं देना चाहिए। कई लोग तो टीवियों में, मैं किसी का भेलना नहीं कर रहा, क्षमा करें, टीवियों पर बैठ करके खाता संख्या नंबर बता देते हैं, महाराज हम यहीं से आपको मंत्र दे रहे हैं और खाते में यहीं से पैसे डाल देना। गुरु मंत्र जो है वो कान में दिया जाता है जिसे कोई सुने ना। और ब्राह्मण को केवल ब्राह्मण ही गुरु बनाना चाहिए। एक बात और ध्यान रखना, ब्राह्मण यदि अन्य को गुरु बना लेता है तो उसका समस्त कर्म विफल हो जाता है। ब्राह्मण सन्यासी को गुरु बना सकता है। ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु परम ब्रह्म परमात्मा। हमारे एक परम पूज्य दंडी स्वामी जी थे, जो कि उनकी हमारे ऊपर बड़ी बड़ी कृपा रही, महती कृपा बनी रही। और शरीर का हम आपको उनका परिचय दे देते हैं। वैसे तो वो दंडी दंड धारण कर लिया तो वो
दंडी स्वामी ही हैं, हमारी हीरो हैं, जो उनके पूज्य पिताजी शरीर का संबंध बता रहे हैं। जब तक वो इस लोकमर थे, जब मैं बहुत छोटा सा था, जब बुलंदशहर में कथा करने आया, तो कुछ समय के बाद ही मुझे उनकी कृपा मिल गई। और मेरे ऊपर तो उनकी इतनी कृपा थी कि आसपास कहीं भी कथाएं होती थी तो बड़े प्रेम से सुनते थे। और एक दिन जब मैं पहली बार रामकथा का आयोजन रखा गया चौकी पर, ये आपके चौकी है ना जो, इस पर पहली बार रामकथा का आयोजन रखा गया, तो मैंने कहा दंडी स्वामी जी महाराज जी से, मेरे महाराज जी हमको तो रामकथा कम कम आती तो नहीं है। उन्होंने कहा अरे महाराज क्यों आनंद ले, खूब आनंद से सुनाओ, खूब अच्छा लगेगा। और उनकी कृपा से और खूब आनंद आया रामकथा में। तो ब्राह्मण का केवल गुरु ब्राह्मण ही हो सकता है। वैसे तो गुरु अनेक हो जाते हैं, गाड़ी सिखाने वाला अलग, काम सिखाने वाला अलग, इनको भी आजकल गुरुओं में ही तान लेते हैं। और ऐसे गुरुओं को तानेंगे तो हमारे वृंदावन में तो रिक्शा वाला भी पता रिक्शे वाले से क्या कहता है, और गुरु ठीक हो, तो गुरुओं की तो मट्टी खराब। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमको कहाँ क्या करना है। जैसे हम हर वस्तु खरीदने से पहले उसका मोल तोल करते हैं, वैसे ही हमें गुरु बनाने से पूर्व हमें अपने मन में दृढ़ता कर लेनी चाहिए। मूर्खपुत्रन अपुत्रत्वं वरं देव विदो विदुः। अच्छा मूर्ख पुत्र बढ़िया है या सुपात्र पुत्र बढ़िया है? कहते हैं भैया सुपात्र हो, चार नहीं हो, एक हो तो सुपात्र हो जो कि खूब सेवा करे। लेकिन राजा को बड़ा कष्ट, मूर्ख के द्वारा न तो ब्राह्मण प्रसन्न होते। और ध्यान देना यहां देवी भागवत जी में लिखा है कि मूर्ख ब्राह्मण को श्राद्ध में भी नहीं बुलाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, श्लोक कह रहा है, मूर्खम पुत्र अपुत्रत्वं वरं देव विदो विदुः। मूर्ख ब्राह्मण को, अविद्वान ब्राह्मण को, जो गायत्री का जाप नहीं करता हो उसको भी ब्राह्मण को नहीं बुलाना चाहिए श्राद्ध में। जो संध्या नहीं करता हो उसको भी नहीं बुलाना चाहिए। कोई अंग भंग हो उसको भी नहीं बुलाना चाहिए। और श्राद्ध, एक पुस्तक है श्राद्ध पद्धति, उसमें तो कहा है कोई काला ब्राह्मण हो उसको भी नहीं बुलाना चाहिए। हर व्यक्ति ब्राह्मण, जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं ना, जो ठीक ठाक ब्राह्मण होते हैं ना, वो तुम्हारे 300 या 500 रुपए की दक्षिणा के चक्कर में श्राद्ध का भोजन नहीं करते। क्योंकि सबसे ज्यादा पुण्य क्षीण श्राद्ध के भोजन से ही होता है। हम भी कभी कभी चले जाते थे, एक दो बार ऐसा मौका मिला, लेकिन जब से पढ़ा तब से कान पकड़ ली, जाना ही नहीं। इतना कमाते नहीं भजन उतना। इसलिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को श्राद्ध में बुलाना चाहिए। और ब्राह्मण ठीक से जीमे, जीमाना मतलब ठीक से पवाए, ठीक से पाए। चाहे भैया आपको दक्षिणा थोड़ी ज्यादा देनी पड़े, ब्राह्मण से पहले कह देना महाराज हमारे घर निमंत्रण है, किसी और के घर का मत लेना, हमारे घर खूब प्रेम से पाना। अच्छा ये बताओ, हम यज्ञ में कह देते हैं भैया धोती पहन करके आना तो हम बैठने देंगे, जींस टी शर्ट पहन के आओगे यज्ञ में तो हम नहीं बैठने देंगे, सर पे पल्लू होगा तो बैठने देंगे, नहीं होगा तो नहीं बैठने देंगे। आइए, यज्ञ में बेल्ट नहीं पहननी चाहिए चमड़े की, नियम है। अरे भाई जब जब अब एक बार तो कोई आए वृंदावन में, हमारे पास में एक मंदिर है महाराज, वहां पे आए, वो माता जी अभिषेक कराने आई शिव जी का अभी, और जींस टी शर्ट पहन करके आ गई। और हमने कहा भाई हम तुम्हारा अभिषेक नहीं कराएंगे, तुम मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकते। क्यों महाराज?
नहीं, हमारा नियम है मां मंदिर में, हम तो अभिषेक कराएंगे नहीं आपका। तो मां बहुत बातें करने लगी, एक बात बताइए आप लोग, आप हॉस्पिटल में जाते हैं और आईसीयू में जब अंदर जाते हैं डॉक्टर क्या कहता है, चप्पल जूते बाहर, मास्क लगाइए, बाल बांधिए, तब अंदर जाइए। और एक ही जा सकता है और नहीं जा सकते, क्योंकि आईसीयू में बड़ा खतरा रहता है। जब हम डॉक्टर के यहाँ नियम फॉलो करते हैं या कहीं और जाना पड़ जाए तो वहाँ नियम फॉलो करते हैं, तो एक बात बताइए भगवान की पूजा में भी क्यों नहीं नियम फॉलो करते। मंदिर जाना है तो सभ्यता के वस्त्र पहन करके जाइए, कथा में जाना है तो सभ्य वस्त्रों को पहन करके जाइए। अरे जब वहां नियम होते हैं तो यहां भी नियम होते हैं, इसलिए नियम के द्वारा जो कार्य किया जाता है और श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा जब यज्ञ और व्रत किया जाता है तब उसका फल प्राप्त होता है। और कोई अगर वैसा कोई ब्राह्मण आ जाए ना तो उसको वैसी दक्षिणा दे दो और प्रणाम कर लो, कोई बात नहीं, ब्राह्मण तो चरित्रवान को बुलाना यदि सत्कर्म कराया जाए तो, चरित्रहीन को नहीं बुलाना। यहां तो बड़ी कठोर कठोर बातें कही है, मैं कह भी नहीं सकता। देवी भागवत जी की कथा में बड़ा कठोर शब्दों का प्रयोग किया है मां भगवती ने, उसका फल अलग ही होगा यदि आपने चरित्रहीन व्यक्ति को बुला लिया तो। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे कि क्या किया जाए, ये मूर्ख है लेकिन इसमें मेरे दोष के कारण ऐसा बेटा पैदा हुआ है। इधर पुत्र ने देखा कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और हर बात पर मेरी हंसते हैं, उसकी बुद्धि ही ऐसी है कि कौन सी क्या बात कहनी कब कहनी कुछ पता ही नहीं, ऐसे करता रहता। अंत में वह ब्राह्मण बालक दुखी होकर के घर से निकल गया, जिसका नाम था उत्तक्त, तो देवदत्त का बेटा हुआ उसका नाम था उत्तक्त। उत्तक्त घर छोड़ करके गंगा जी के स्नान करता, गंगा जल का पान करता और गंगा के किनारे बैठ करके रोता ही रहता, माँ मेरी बुद्धि शुद्ध कर दो, माँ मेरी बुद्धि को तीव्र कर दो। प्रेम से कहो जय माता दी, ना जोर से बोलो बस, अच्छा एकदम जोर से बोलो जितनी तुम्हारी में शक्ति हो, बस इतनी ही शक्ति है। उत्तत कहता मां मेरी बुद्धि को तीव्र करो, और गंगा के किनारे गंगा जल पीता और गंगा जल से स्नान करता। माँ गंगे तुम करुणामयी हो कृपामयी हो, स्नान करते समय मंत्र बोलता जाता। उसे कुछ पता नहीं था, सीसी करता नहा लेता। हर चीज का एक मंत्र होता है, सुबह उठकर के पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, हाथों को इसलिए प्रणाम करना चाहिए, हाथों को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि हाथों में लक्ष्मी का वास रहता है, नारायण उनके पास में रहते हैं। इसलिए हम प्राय कहते हैं सुबह उठकर के एक मंत्र याद कर लीजिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर्मध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। पहले हाथों की रेखाओं को प्रणाम करें, फिर चार पाई से पृथ्वी को प्रणाम करें, हे माँ पृथ्वी अब तुम्हारे ऊपर मैं पूरे दिन आनंद की क्रीड़ा करूंगा, मेरे से कोई अपराध न बन जाए। और मेरे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि दो समय तो अवश्य ही भगवान का माँ भगवती का धन्यवाद देना चाहिए, प्रातःकालीन उठने के समय और सायकालीन सोते समय। जब भोजन करके जब बैठ जाए तो सोने के लिए जाए तो भगवान का माँ भगवती का धन्यवाद करें, हे माँ हे
ठाकुर जी आपका बड़ा धन्यवाद, आज पूरा दिन आपने मेरा अच्छा बिताया, रात भी अच्छी करना, और प्रातःकालीन हो जाए तब कहना हे भगवती आपने रात्रि बहुत अच्छी बिताई, दिन भी ठीक से बिताना। अरे धन्यवाद देना चाहिए, कोई वस्तु किसी से मंगाता है ना, किसी पड़ोसी से या अपने बेटे से भी मंगा लेता है, तो आजकल पढ़ी लिखी माता कहती है थैंक यू बेटा। पानी भी अगर गिलास मंगा लिया पीने के लिए तो थैंक यू बोल देती है, बालक बोलता है वेलकम। तो जब छोटे से पानी के लिए एक थैंक यू बोल देते हैं हम, तो क्या हमको जिसने जीवन दिया है माँ भगवती ने, क्या उसको हम थैंक यू नहीं, धन्यवाद नहीं बोल सकते? इसलिए बोलना चाहिए, भगवान ने हमको ऐसी ऐसी वस्तु दी है जो संसार से हमको प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान ने अच्छा अंगूठा दिया, अंगुली दी, हाथ पैर दिए, अच्छा कुछ हो जाए तो ऐसा ही लगता है क्या? नहीं लगता ना। तो भगवान ने अनमोल वस्तु हमको दी है, यदि इस अनमोल वस्तु को भी त्याग करके हम लोग उनको धन्यवाद ना करें तो बहुत बड़ी बात है। वो उतत केवल कंदमूल फल खाकर के जीवन बिताने लगा, इसको 14 वर्ष बीत गए उतत को जंगल में रहते रहते। यही हमारी बुद्धि कमजोर है, मैंने हमारे कर्म बहुत बुरे थे इसलिए हमारी बुद्धि कमजोर हो गई है। एक पैर लंगड़ा हो जाने पर गुजारा हो जाता है, एक आंख नंगी होने पर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन यदि हमारी बुद्धि नहीं हो तब फिर गुजारा नहीं होता। देखो अष्टावक्र गीता में जनक जी के दरवाजे पर जब अष्टावक्र जी गए, और अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे, लोग देख करके हंसने लगे, अरे ये ज्ञान उपदेश करेंगे। तब अष्टावक्र जी ने जनक जी से कहा, राजन मैंने तो सोचा था कि तेरी सभा में सब विद्वान लोग बैठे होंगे, पर तेरी सभा में तो सब चर्मकार बैठे हैं जो केवल चमड़ी को जानते हैं। और जब अपने ज्ञान का मार्जन दिया, जब ज्ञान कराया, तब सब नतमस्तक हो गए। एक आंख वाला चल सकता है, एक पैर वाला चल सकता है, एक हाथ वाला चल सकता है, यदि बुद्धि नहीं है तो फिर वो बेकार है। उतत कहता है माँ मेरी बुद्धि को तीव्र करो ना। यही बात मंदोदरी रावण को समझा रही है, शेर से यदि डरोगे नहीं तब वो तुम्हें खाएगा नहीं, शेर से अगर तुम डरोगे नहीं तो वो तुमको खाएगा नहीं, यदि तुम डरोगे तो तुमको भागोगे या उससे डरोगे तब वो तुमको खाएगा। तुम अपनी कमजोरियां निकालो, कभी किसी की निंदा कर दी, कभी किसी की चुगली कर दी, कभी यहां की बात वहां कर दी, वहां की बात यहां कर दी, तो आप अपनी कमियों को उजागर कर रहे हैं। रावण ने लोगों ने कहा, लंका निवासियों ने, राम जी बड़े महान हैं, इतने महान हैं राम जी कि राम जी के जो पत्थर समुद्र में डाला वो डूबा नहीं। प्रेम से कहो जय माता दी, जो पत्थर डाला वो डूबा नहीं। और राम जी बड़े श्रेष्ठ, रावण बोला हम भी उनसे कम नहीं है, हम भी उनसे कम नहीं है। तो रावण ने रावण लिखा, नल और नील ने तो राम लिखा, लेकिन रावण ने रावण लिखा और पत्थर को डाला समुद्र में, पहले डाल के देखा डूब गया, लेकिन पुनः जब सारे लंकावासी आ गए और कहा महाराज अब डालिए, हम देखना चाहते हैं अब राम जी के बराबर महान है कि नहीं है, तो रावण लिखा पत्थर पर जल में डाला, लेकिन पत्थर डूबा नहीं, पत्थर डूबा नहीं। तब मंदोदरी ने कहा महाराज आपका पत्थर डूबा कैसे नहीं? रावण कहता है मंदोदरी से, मैंने पहले डाल के देखा था तो पत्थर डूब गया था, लेकिन जब दोबारा डाला तो पत्थर के कान में कह दिया तुझे राम जी की सौगंध अगर डूबे तो, तुझे राम जी की सौगंध अगर डूबे तो।
और मंदोदरी पत्थर डूबा नहीं। इसलिए उत्त कहता है बुद्धि ही नहीं चलेगा। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करो कृपा निर्मल मति, मति माने बुद्धि। दुर्गा सप्तपदी में लिखा है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमत्तस्यै 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 नमो नमः। यदि बुद्धि प्राप्त होगी तो मां भगवती की कृपा से प्राप्त होगी। उत्तत कहता है जीवन में मां मुझे तीव्र बुद्धि दीजिए। गोस्वामी जी भगवती जगदम्बिका का स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं। अब रोग से शरीर कमजोर हो रहा है दवाई खा खा करके, और आपसे कहा जाए कि भैया जरा दौड़ करके दिखाओ, तो दौड़ सकते हैं क्या? यदि शक्ति की कृपा नहीं है तो नहीं। कई लोगों को आजकल घुटने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, हाँ, बैठने में भी चलने में भी। कहाँ जाए जरा दौड़ के दिखाना। महाराज घुटनों में अब शक्ति नहीं रही। अच्छा चलो इसको जरा उठा के दिखाओ वजन को। तो कोई ये नहीं कहता कि अब मुझ में ब्रह्मा नहीं रहे, मुझ में विष्णु नहीं रहे, मुझ में शिव नहीं रहे, मुझ में अग्नि नहीं रही। क्या कहते हैं सब लोग, किसी से दान लेने जाओ ना, अरे मैया जरा दइयो, देख भैया मुंह में इतनी शक्ति ना है कि इतनो ना दे सकूं, कहे ना। तो कोई ये नहीं कहता कि मुझ में ब्रह्मा नहीं विष्णु नहीं, सब कहते मुझ में शक्ति नहीं है। तो बिना शक्ति के आधार पर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपकी बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो जाएगी, और निर्मल बुद्धि ही भगवान को पा सकती है। वो स्वामी जी ने कहा ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बुद्धि जब निर्मल हो जाएगी तब
भगवान प्राप्त हो जाएगा, माँ भगवती प्राप्त हो जाएगी। एक दिन उतथ्य बैठा हुआ था और उतथ्य जब बैठा तो एक शिकारी और एक सुगर को बाण मारा, और जब सुगर को बाण मारा तो वो घायल अवस्था में था, लेकिन वो उतथ्य के सामने से निकल के जाने लगा। और जब उतथ्य के सामने से जाने लगा, एकांत में बैठा उतथ्य, जिसने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, अब झूठ क्या बोलता कि मंद बुद्धि इतना था, मंत्र आता नहीं था, क्रिया कुछ जानता नहीं था। तो जैसे ही सुगर को शिकारी ने बाण मारा, घायल हो गया, तो ये बोला ए, 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 बोलते ना, गूंगे भी बोल देते, ए, ए, तो ए ए करके बोला बोला, और बस इतना ही बोला ही था कि माँ भगवती की उसके ऊपर कृपा हो गई। प्रेम से कहो जय माता दी। ए बोलते ही एंग माने, एंग तो पुनः निवारण मंत्र है, लेकिन ए बोला तो कहते जो बालक कही तो तरी बाता, और माँ तो माँ है, ए कहा तो बस गोविंद ऋषि ने जो श्राप दिया था ब्राह्मण ने कि माँ भगवती की कृपा से बुद्धि तीव्र हो जाएगी, तो आज वही भगवती की कृपा उस उतथ्य पर हो गई और वह इतना बुद्धिमान बन गया। इसलिए ऐसा सत्य बोलो। अब ये कहता है कि अगर मैंने नहीं बताया तो परेशानी, और बताया तो, तब उतथ्य ने सबसे पहला श्लोक देवी भागवत जी के आधार पर बोला, और क्या बोला, या पश्यन्ति न साम्ब्रूते या ब्रूते शाम न पश्यति अहो व्याज स्वकार्यार्थम किं प्रक्षसि पुनः पुनः। आहा, या पश्यति न साम्ब्रूते, अरे स्वार्थी बहेली है, तू एक बार बार क्यों पूछ रहा है कि घायल सुवर गया कि नहीं गया। जो देखने वाला है उसके तो मुख नहीं है, देखा किसने, अरे बोलो, आंखों ने। अब आंख बोल सकती है क्या, बोलो भैया, जिसने देखा उसके मुख नहीं है वो बता नहीं सकता, और जिसने देखा ही नहीं ठीक ठीक से वो बताएगा कैसे, और जिन्होंने देखा उनके मुख नहीं है। जब आंख और मुख में चार अंगुल का अंतर है तब बोलने में भी कुछ न कुछ अंतर तो पड़ ही जाएगा, देखी हुई वस्तु से बोलने में थोड़ा अंतर रहता है। इस प्रकार मां भगवती की उस उतथ्य पर कृपा हुई है, और फिर उत्तर दे करके उतथ्य चले गए। इसलिए तुम बार बार मुझसे पूछ करके मेरे भजन में बाधा क्यों डाल रहे हो, व्याज नमस्कार करके वापस लौट गया है। बोलिए भगवती मैया की। एक तारा लेकर उतथ्य भी भजन गा रहा है, और उतथ्य के साथ में हम लोग भी तीव्र भजन गावे तो हमको भी आनंद आवे। के है चाह यही है मैया तुझसे लागी रही लगन। देखो आज कई दिन हो गए ना, जरा अपने हाथों की शक्ति का भी आनंद लीजिए और भाव से गाइए। कि है चाह यही है मैया
तुमसे लागी रहे लगन, एक तारा लेकर द्वारे पे मैं गाऊं तेरे भजन, एक तारा लेकर द्वारे पे गाऊं तेरे भजन, एक तारा लेकर द्वारे पे मैं गाऊं तेरे भजन, एक तारा लेकर द्वारे पे गाऊं तेरे भजन। है चाह यही है मैया, है चाह यही है मैया, तुझसे लागी रहे लगन, एक तारा लेकर द्वारे पे मैं गाऊं तेरे भजन, एक तारा लेके द्वारे पे मैं गाऊं तेरे भजन, एक तारा लेकर द्वारे पे मैं गाऊं तेरे भजन, एक तारा लेके द्वारे पे मैं गाऊं तेरे भजन। जय माता दी, तेरी महिमा गाऊं मैं, और सांझ ढले तक मैया
या तेरी महिमा गाऊं मैं, और सांझ ढलने तक मैया तेरी महिमा गाऊं मैं, और सांझ ढले तक मैया तेरी महिमा गाऊं मैं, और जपूं तुम्हारा नाम रहूं मैं, जपूं तुम्हारा नाम रहूं में सदा मगन, जपूं तुम्हारा नाम में सदा मगन, एक तारा लेकर द्वारे में गाऊं तेरे भजन, एक तारा लेकर द्वारे पे मैं गाऊं तेरे भजन, है चाह यही है मैया, चाह यही है तारा लेकर द्वारे पे मैं गाऊं तेरे भजन, एक तारा लेकर द्वारे पे मैं गाऊं तेरे भजन, एक तारा लेकर द्वारे पे मैं गाऊं तेरे भजन, एक तारा लेकर द्वारे पे मैं गाऊं तेरे भजन। क्या खा के आया जीवन धन्य बनाऊं मैं, तेरा चरणामृत पीकर जीवन धन्य बनाऊं मैं, तेरा चरणामृत पीकर जीवन धन्य बनाऊं मैं, तेरा चरणामृत पीकर जीवन धन्य बनाऊं मैं, जीवन धन्य बनाऊं मैं, जीवन धन्य बनाऊं मैं, जीवन धन्य बनाऊं जीवन धन्य बनाऊं मैं, तेरा चरणामृत पीकर जीवन धन्य बनाऊं मैं, तेरा चरणामृत पीकर जीवन धन्य बनाऊं मैं, तेरी करुणा बरसे, तेरी करुणा बरसे, मन की शीतल हो जाए आंगन, तारा लेकर द्वारे पे मैं गाऊं तेरे भजन, लेकर द्वारे पे माँ, एक तारा लेकर द्वारे पे माँ गाऊं तेरे भजन,
यही है मैया, यही है मैया, तुझसे लागी रहे लगन एक तारा लेकर, द्वारे से तेरे भजन तारा लेकर, द्वारे पे मैं गाऊं तेरे भजन। उत्तत खूब माँ भगवती के गुणों को गाने लगे, एक तारा लेकर द्वारे पे मां गाऊं तेरे भजन। देखो परिवार में सम्मति होनी चाहिए। आपने शिव महापुराण की कथा सुनी, शिव महापुराण के आधार पर आप देखेंगे कि भगवान शिव का परिवार कैसा है। देखो ए मैया, भगवान शिव का वाहन क्या है? अरे बोलो दारी के हो, नंदी। और मां भगवती का दोनों में प्रेम है या बैर? बैर है ना, मिल जाए तो अच्छा। गणेश भगवान का वाहन क्या है और कार्तिकेय जी का? अच्छा भगवान शिव के गले में और कार्तिकेय के वाहन में मोर का और सर्प का दोनों का बैर रहता है। गणपति का वाहन है चूहा, भगवान के गले में है सर्प और मां, दोनों में बैर होता है। लेकिन भगवान के यहां बैर समाप्त है, यहां परस्पर सब एकजुट होकर के रहते हैं। जहां गणपति का मुख अलग तरह का है, देखो मुखों में भी परिवर्तन है, गणेश जी का मुख और कार्तिकेय जी के छह मुख वाले कार्तिकेय, गणेश जी का अलग तरीके का मुख, कार्तिकेय के छह मुख और भगवान शिव के पांच मुख, पंचानन कहते हैं भगवान शिव को। परंतु पार्वती का सौंदर्य अलग ही है। यह भगवान शंकर ने दुनिया को बताया कि जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में भी वह चाहता है कि सभी मेरी तरह हो जाएं, उस घर में कभी शांति नहीं होगी। तो यह सोचते हैं कि जैसा है वैसे में ही समझौता कर ले। हम घर से जब बाहर ट्रेन में सफर करते हैं ना, ठाकुर जी की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से, घर में तो जब ही रहना होता है, जब बीमार हो जाए या और कोई कार्य हो जाए, वरना तो ज्यादा समय तो हमारा सफर में ही रहता है। अच्छा सही बताइए मैया, घर में जो आनंद है वो बाहर मिलेगा? कहीं तो पूछने वाले ही ना है कि चलिए एक दिन पूछी हमें। हाँ तो फिर क्या करना पड़ता है आपको? एडजस्ट। अब चाहे कि हमारी तरह मिल जाए या तो नहीं मिलेगा ना, फिर अपने आप को उनके तरीके से ढालना पड़ता है। अगर शांति चाहते हो तो एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करो, अपनी उनके ऊपर थोपो मत। और लड़ाई का कारण यही है कि हम अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं और पत्नियां अपनी मर्जी से चलाना चाहती हैं और पतिदेव अपनी मर्जी से, बालक अपनी मर्जी से, इसलिए तालमेल नहीं बनता है। तालमेल गृहस्थ जीवन में बहुत जरूरी है। और देखो जिस घरों में तालमेल नहीं होता है ना, वो सारे जीवन पंडित जी को याद दिखाते रहे, महाराज बड़ों समय खराब चल रहा है, नई नई शादी हुई थी बड़ा परेशान, पंडित जी के पास मैं गया, बोले पंडित जी जरा देखना हाथ की रेखाओं में सुख है कि नहीं।
पंडित जी बोले, लाला 3 साल तक की बड़ी गृह खराब चल रही है। बोले माना 3 साल? बोले 3 साल तक तो ये ग्रह कोई टालने वाला किसी उपाय से टलेंगी नहीं। बोले पंडित जी माना 3 साल के बाद? बोले बेटा फिर आदत पड़ जाएगी। 3 साल तक जो करोगे फिर आदत पड़ जाएगी, फिर झगड़े का काम ही समाप्त हो जाएगा। प्रेम सुखो जय माता दी। तो जिन घरों में तालमेल नहीं होता, अच्छा पतिदेव घर में रहे ना, पत्नियां बड़ा प्रेम करती थी। मनीष भैया बता रहे कि महाराज जो कहीं कि तुम कथा में काहे को चले जाओ, अब पड़ गया बीच में लॉकडाउन, तब फिर पत्नियों का प्यार उमड़ उमड़ के आया बाहर। भगवान न करे ऐसा काल कभी आए। ये भी एक महामारी है। देवी भागवत जी में कहते हैं जब ज्यादा पापाचार दुष्टाचार पड़ जाता है तो मां ही महामारी का रूप लेकर के लोगों का सर्वनाश करने लगती है। तो प्रेम जब पता लगता है, जब घर में ज्यादा रहने लग जाए तो उतना ही ठीक है कि सुबह निकल के जाएं 7 बजे और फिर 2-3 दिन वहीं रहें, फिर पता लग जाए कि आज आ रहे हैं। हाँ तब तो प्रेम बना रहेगा। और यूं लगे कि फिर तो मैया भगवान ही मचा रहे। एक भैया है, नाम नहीं लूंगा मैं, मुझसे कह रहे पता है गुरुजी मैं ज्यादा वृंदावन क्यों जाता हूं? क्योंकि पत्नी लड़े ना, कई 2 बार तो लेके जाते पत्नी को और 1 बार आराम से अकेले जाते। जय खाटू श्याम की। हाँ बोले 1 बार मैं इनको घुमा देता हूं तो इनका मन शांत हो जाता, फिर दूसरी बार मैं चकाचक होकर जाता हूं टेंशन फ्री। कई बार गड़बड़ हो जाती है। इस मंत्र में 5 बार भगवती को नमस्कार किया गया है। हम आपको प्रणाम करते हैं, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे भगवती आप हमें बुद्धि दें जिससे कि हम बोल पाए। और सच बताएं हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं थी कि हम देवी भागवत कथा को या अन्य कथाओं को बोलने की कोई सामर्थ्य है, लेकिन ये भगवती की और गोविंद की बड़ी कृपा है कि यहाँ बैठ करके कुछ बोलने के योग्य बना देते हैं। ये सत्य प्रति उतत महान विद्वान बन गया और अंत में जब शरीर छोड़ा तो माँ भगवती के मणिद्वीप को प्राप्त किया है। यदि उदत्त जैसे मूर्ख ब्राह्मण को भी माँ भगवती निर्मल बुद्धि दे सकती है तब हम तो क्यों नहीं देगी। यदि सच्चे दिल से सच्ची भावना से कोई माँ भगवती को पुकारे, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। बस आप सुबह उठते ही मांगते प्रभु धन इतना दीजिए, आपके तो दिमाग में पैसा इतना भर गया है कि सारा दिन पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा। यह कभी नहीं कहते कि हमें सत्संग दीजिए। आप सदा मांगते हैं प्रभु धन इतना दीजिए, कभी आपने मांगा है प्रभु आप अपना साथ हमको दीजिए, प्रभु हमको सत्संग दीजिए, प्रभु हमें कथाएं दीजिए, हम आपकी कथा सुने, कभी नहीं मांगते। लक्ष्मी को तो सब मांगते हैं लेकिन नारायण को कोई मांगना नहीं चाहता। और हम कहते हैं कि नारायण को मांग लो लक्ष्मी अपने आप ही घर में आ जाएगी। प्रेम से कहो जय माता दी। जरा जोर से बोलो, राम जी के वंश में राम जी के बेटा हुए लव और दूसरे बेटा है कुश, तो लव की 14 पीढ़ियों के बाद में, ध्यान से सुनना कथा को, लव की, राम जी के बेटा लव, लव की 14 पीढ़ियों के बाद में एक राजा हुए जिनका नाम है ध्रुव संधि।
और ध्रुव संधि उनके पुत्र पर मां की बड़ी कृपा हुई। इसे भी आप बड़े ध्यान से सुने, मां जीवन में कैसे निहाल करती है। वो एक भजन है ना, मां निहाल करती माला माल करती, फिर कैसे मैया अपने भक्तों को, है ना ऐसे ही। तू मां निहाल भी कर देती है, माला माल भी कर देती है। देखो मैया के थोड़ा भजनों में हमारा हाथ तंग है, ये तो मैया की वजह से कुछ थोड़े भजन लिखने पड़ गए। तू मां निहाल भी कर देती है और माला माल भी कर देती है। सुदर्शन पर उनकी कैसी कृपा हुई, आप बड़े ध्यान से सुने मां भगवती का चरित्र। कौशल नरेश सपुंष्य की मित्र थे ध्रुव संधि, और ध्रुव संधि बड़े धर्मात्मा और सत्यवादी राजा थे। उनके राज्य में कोई जुआरी शराबी धूर्त कोई धोखेबाजी व्यक्ति नहीं रहता था, बड़ा बड़ा सुंदर राज्य चलता था। राजा के ईमानदार होने पर प्रजा में ईमान अपने आप ही प्रकट हो जाता है। यदि माँ बच्चे को ईमानदारी सिखा दे, ध्यान देना, माँ बच्चे को ईमानदारी सिखा दे तो फिर बच्चा बेईमान नहीं हो सकता। मैं प्राय कहा करता हूं, माँ चाहे तो बेटे को ब्राह्मण बना दे, संत बना दे, विद्वान बना दे, और माँ चाहे तो बेटे को चोर डाकू जुआरी बना दे। न ग्रहणम ग्रहणित्यायु ग्रहणी ग्रहमुच्चते, वास्तविक में घर को घर नहीं कहते, माँ को ही घर कहा जाता है। सपुष्य के मित्र ध्रुव संधि के दो विवाह हुए, ध्रुव संधि के दो विवाह हुए। एक तो बंगाल के राजा हैं जिनका नाम है बीरसेन, और बीरसेन की बेटी का नाम है मनोरमा। ध्रुव संधि के विवाह एक तो बंगाल के राजा बीरसेन की पुत्री मनोरमा के साथ में हुआ, और दूसरा उज्जैन के राजा हैं युद्धजित, उनकी पुत्री का नाम है लीलावती, एक विवाह उनके साथ में हुआ। अब तो महाराज इतना आनंद आ, देखो काल की घड़ी कब बदल जाए कोई पता नहीं है। आज सुख मिल रहा है, क्या पता कि सायंकालीन को ऐसा दुख आ जाए कि जीवन भर आपको रोना पड़ जाए। इसलिए संत कहते हैं, दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, नाम जाए बगर प्राण जाए मगर, नाम भूलो मती। अपने गोविंद के गुण गाते चलो, इसलिए सुख में भूलना नहीं, दुख में रोना नहीं। केवल और केवल भगवान का नाम ही एक ऐसा है जो सुख और दुख के राह में तुम्हें आनंद देता है, चाहे दुख आए चाहे सुख आए। आज इतना धर्मात्मा राजा को प्राप्त करके मनोरमा तो इतने अपने आप को भाग्यशाली समझ रही है कि मुझे सर्वस्व मिल गया, हे माँ भगवती आपने इतनी कृपा करके मुझे इतना सुंदर पति दिया है जो इतना धर्मात्मा है। मनोरमा के एक पुत्र हुआ जिसका नाम है सुदर्शन, और जो लीलावती थी उसके भी पुत्र हुआ उसका नाम है शत्रुजित। अब तो दोनों बेटा आपस में बड़ा आनंद लेते हैं, एक से दो पुत्र होना अच्छी बात है, एक पुत्र होता है तो जीवन भर थोड़ी चिंता में रहता है व्यक्ति, और दो होते हैं तो थोड़ा चिंता मुक्त तो रहता है। अब तो महाराज मनोरमा बड़ी लाड चाव से सुदर्शन को पालती है, लीलावती बड़े लाड चाव से शत्रुजित को पालती है, बड़ा आनंद हो रहा है। एक दिन की घटना आपको बता में, आज राजा जो है
शिकार खेलने के लिए गया ध्रुव संधि, और जब शिकार खेलने के लिए गया तो जंगल में अकेला पड़ गया। एक शेर ने और ध्रुव संधि को मार दिया, और जब ध्रुव संधि को मार दिया, जब वह महाराज को चीर रहा था तब तक सैनिक पीछे पीछे दौड़े, जब तक तो ध्रुव संधि को मार दिया। देखो देव का दुष्प्रभाव कर्म का फल है, हमारा आने वाला कल कैसा होगा किसी को नहीं पता। पुरुष बलि नहीं होत गए समय होत बलवान, पुरुष बलि नहीं होत गए समय होत बलवान, और भील ने लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन भी वही थे बाण भी वही थे, लेकिन भीलों ने गोपिकाओं को लूट लिया। समय की बलियारी है प्यारे, कभी ये मत अहंकार करना कि आज हम ऐसे हैं, आज हम सौंदर्यवान हैं, आज हम जवान हैं। अरे आज सौंदर्य है तो कल गिरेगा भी, आज जवान हो तो कल बूढ़े भी हो। विचार करो वे मनोरमा और लीलावती जो स्वयं को भाग्यशाली मानती थी, हमारे पति इतने सुंदर हैं, इतना सब आनंद है, लेकिन आज अपने आप को कैसा देख रही हैं, कैसा अनुभव कर रही हैं। एक संत का गाया हुआ भजन मुझे याद आ रहा है, कि सुमिरन कर ले नाम सुमिर ले, कर ले और नाम सुमिर ले, और को जाने पल की खबर ना, या जग में 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 पल की। नाम सुमिर ले सुमिरन कर ले, नाम सुमिर ले सुमिरन कर ले, नाम सुमिर ले सुमिरन कर ले, और को जाने कल की खबर ना, या जग में पल 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 की। हरि बोल। प्यारे की जय हो। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, झूठ कपट और छल की भैया, झूठ कपट और छल की। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, झूठ कपट और छल की, झूठ कपट और छल की, झूठ कपट और छल की, झूठ कपट और छल की। शीस में धर लई पाप कठरिया, शीस में धर लई पाप कठरिया, शीस
शीश पे धरी लई पाप गठरिया, शीश पे धरी लई पाप गठरिया। और हो कैसे हल्की खबर ना या जग में पलकी, खबर ना या जग में पलकी, खबर ना या जग में पलकी, खबर ना या जग में पलकी। नाम सुमिर ले सुमिरन करने, नाम सुमिर ले सुमिरन करने, नाम सुमिर ले सुमिरन करने, नाम सुमिर ले सुमिरन करने। और खो जाने पल की खबर ना या जग में पल की, खबर ना या जग में पल की, खबर ना या जग में पल की, खबर ना या जग में पल की। ए माता दी जग में पलकी, खबर ना जग में पलकी, खबर ना या जग में पलकी, खबर ना या जग में पलकी, खबर ना या जग में पलकी। दया धर्म
जग में पल की खबर ना या जग में पल की जग में पल की खबर ना जग में पल की नाम सुमिर ले सुमिरन कर ले 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 और को जाने कल की या जग में पल की खबर ना 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 या जग में बोलिए सच्चे दरबार की जय कारा सिर वालिदा बोली सच्चे दरबार की भी बहुत ज्यादा खुशी मना रहा है क्या पता कल वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाए जैसे ही राजा ध्रुव सिंधु मारे गए सारे नगर में कोलाहल मच गया मनोरमा और लीलावती दोनों सिर पीट पीट करके रोने लगी मनोरमा और लीलावती दोनों सिर पीट करके रोने लगी बंगाल के राजा वीरसेन भी आ गए और उज्जैन से युधाजित भी आ गए दोनों आ गए जो शरीर था ध्रुव संधि का उसको चिता दी गई चिता के बाद में पगड़ी रस्म होती है हमारे सनातन धर्म में बाद में पगड़ी रस्म का एक और अभिप्राय होता है जो दाह संस्कार करता है उसके कंधे पर पगड़ी पहनाई जाती है डाली जाती है सर पर क्यों क्योंकि अब तक तो तुम जैसे थे वैसे ठीक थे लेकिन अब तुम्हारे ऊपर इस परिवार का भार आ गया है पगड़ी रस्म होने लगी लेकिन बंगाल के राजा और उज्जैन के राजा दोनों को यह था कि राजा कौन बनेगा युधाजित कहने लगा कि हमारा जो बेटी का पुत्र है वो राजा बनेगा और बंगाल का राजा कहने लगा वीरसेन की हमारा जो पुत्र है बेटी का वही राजा बनेगा और कायदे में तो बड़े पुत्र को ही राजा बनना चाहिए लेकिन महाराज शत्रुजीत छोटा है लेकिन इसमें गुण बहुत ज्यादा है इसलिए राज्य उसे ही मिलना चाहिए दोनों की बातों में आपस में ठनाठनी हो गई और मनोरमा के पिता को समाप्त कर दिया मनोरमा जो थी उसके पिता को समाप्त कर दिया वह घबरा गई और युधाजित जो राजा था उसने कहा चलो युधाजित ने कहा चलो और जाकर के जो सुदर्शन है उसको भी मार दो तो हमारा जो पुत्री का पुत्र है उसको कोई कष्ट नहीं होगा अब तो महाराज मनोरमा इतनी घबरा गई कि अब तो व्याकुल होने लगी और आपत्ति के समय में गोस्वामी जी कहते हैं यदि आपत्ति में कोई परखा जाता है विपत्ति में कोई परखा जाता है
तो कौन है? कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, 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 आपत काल चार ऐसे हैं जो आपत्ति के समय में परखे जाते हैं। सुख में तो सब साथ खड़े रहते हैं, दुख में कौन खड़ा होता है, विपत्ति में कौन खड़ा होता है? प्यारे बंधुओं, विपत्ति जब आती है तो अपने भी किनारा कर जाते हैं, अपने भी किनारा कर जाते हैं विपत्ति जब आती है तो, और सुख में तो सब साथ खड़े ही रहते हैं। लेकिन तभी मनोरमा ने कहा, मनोरमा के पास में एक मंत्री रहते हैं, राजा के जो मंत्री हैं, कहा रानी जी युधाजित राजा मारने के लिए आ रहा है, मंत्री का नाम है विदुल। विदुल ने कहा कि जो लीलावती का जो पिता है युधाजित, वो मारने के लिए आ रहा है, आपके सुदर्शन को, सुदर्शन छोटा है, चलो यहां से, अब जान रहेगी तो बहुत कुछ बना रहेगा, थोड़ा बहुत गहना लिया, जो भी कुछ लिया, रथ में बैठाया और जंगल की ओर भागने लगा। जब जंगल की ओर दौड़ा, लीलावती का पिता जब आया युधाजित, उसने देखा कि कहाँ है, पकड़ लो, मार दो। लोगों ने कहा महाराज वो तो भाग गए जंगल की ओर, पीछे पीछे सैनिक दौड़ा दिए। लेकिन देखो जब दुर्दिन आते हैं तो कैसे आते हैं। रोग, सांप, आग और पाप, दोबारा सुनिए, रोग, सांप, आग और पाप, ये चार चीजों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रोग कब छोटा बड़ा हो जाए, आग कब छोटे से बड़ी हो जाए, पाप कब हो जाए और सांप कब। आगे जब चले तो महाराज देखा कि संकट जब आता है तब कैसे आता है। यहां जंगल में भील लोगों ने मनोरमा को पकड़ लिया, तो दुबिल ने कहा राजरानी जू इज्जत लुट जाएगी, इसलिए काम करो, सारा सामान इनको दो, जो भी गहना जेवर लेकर के दौड़ी थी राज्य से वो सब भीलों ने चुरा लिया। वो भीलों ने चुरा लिया, नौका से पार किया गया। महाराज शत्रुजीत आ रहा है, नौका से पार किया और नौका पार करके गंगा पार महर्षि भरद्वाज जी का प्रेम से कहो जय माता दी। भरद्वाज जी के आश्रम पर आकर के पीछे मुड़कर देखती, घबराती, दौड़ती हुई भागी और सुदर्शन जी, सुदर्शन को भरद्वाज जी के चरणों में डाल दिया मनोरमा ने, और रो पड़ी और झोली फैला करके कहने लगी ऋषिवर क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो, सारी घटना बताइए। मुनिवर मेरे पति की मृत्यु हो गई है, शत्रुजीत उसका छोटा भाई है, वो इसको मारना चाहता है राज्य के लालच। भरद्वाज ने कहा बेटी तुम अपने आंसुओं को पोंछ लो, अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तभी मनोरमा को यह सुनकर थोड़ा साहस हुआ,
थोड़ा धैर्य बंधा, मन में यही विचार उठ रहे हैं कि किस तरह से मेरे बेटा ठीक ठीक से रहे, उसे कुछ न हो जाए। नारी को शास्त्र में लता कहा गया है, स्त्री को, नारी को क्या कहा गया है बोलो ना, लता। और पुरुष को वृक्ष कहा गया है, नारी लता है और पुरुष वृक्ष है। जैसे लता बेल वृक्ष के सहारे खड़ी होती है, अकेली खड़ी नहीं हो सकती है, वैसे ही नारी जाति को भी पुरुष की सहारे की आवश्यकता पड़ती है, वो अकेली खड़ी नहीं हो सकती है। कोई मीरा की तरह हो जाए, कोई सबरी की तरह हो जाए, वो एक अलग बात है, उसे एक कुटिया दिलवा दी और व्यवस्था की गई, और पीछे से युधाजित राजा दौड़ता हुआ चला आ रहा था और आकर के भरद्वाज मुनि के आश्रम पर आ गया और बोला सुदर्शन को बाहर निकालो, हम इसको मार देना चाहते हैं। अब तो मनोरमा घबरा गई, महर्षि ने कहा क्यों? युधाजित बोला सुदर्शन मेरा शत्रु है, इसलिए मैं मारना चाहता हूं। लेकिन महर्षि भरद्वाज ने कहा ये शत्रु भले ही तुम्हारा है, लेकिन अभी मेरी शरणागति आ गया है, अब इसे हम तुम्हें मारने नहीं देंगे, और यदि तुमने दुस्साहस किया तो तुम प्रणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाना। सैनिक ने कहा महाराज, युधाजित का मंत्री बोला आपको पता नहीं विश्वामित्र और वशिष्ठ में जब विरोध हुआ तब विश्वामित्र जी को एक राजा ने, राजा थे और नीचे झुकना पड़ा, राजा से बैर नहीं करना चाहिए, हमारे संतों से बैर नहीं करना चाहिए। युधाजित ने कहा ठीक है, कभी तो बाहर निकलेगा, अपने सैनिकों को चौकीदारी पर छोड़ दिया, जहां भी निकले जब भी निकले तभी इसका वध कर देना। अब देखिए सुदर्शन पर मां की कृपा कैसे होती है, सुदर्शन छोटा है, दुर्योधन की सभा में जब द्रौपदी की साड़ी की गांठ खुलने वाली थी, उसने दोनों हाथ उठा करके प्रार्थना की हे द्वारकावासिन, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम श्री राधा कांतम नमो नमः। द्रौपदी ने अपने दांतों से अपने पल्लू को जकड़ रखा है, लेकिन जब कोई काम नहीं आया तब अंत में भगवान ही आश्रय बने। मेरा कहने का अभिप्राय, जब मां भगवती कृपा करती है तो फिर निहाल कर देती है। आजकल लोग भगवान को गालियां देते हैं कि वह हमारा काम नहीं कर रहे हैं, आप यह सोचें कि वह जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, आप पुरुषार्थ करें यदि फिर भी सफलता ना मिले तो परमात्मा का चिंतन करें, भगवान जो भी करते हैं ना अच्छा ही करते हैं। अब देखो कि योग कैसे बनता है, मंत्री का नाम है विदुल, आश्रमवासी बालकों से विदुल 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 कहकर के बुलाते हैं क्योंकि पोतली भाषा बोलता है, विदुल की जगह क्लिंग क्लिंग बोलता था, क्लिंग महाकाली का बीज मंत्र है और मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि जो बालक कही तो तेरी बाता, 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 सुनगी मुदित मन पितु और माता, सुनगी मुदित मन पितु और माता।
हर माता, जो बालक कही तो तन पाता, जो बालक कही तो तन पाता, जो बालक कही तो तन पाता, जो बालक कही तो तन पाता। आप ठीक रहते हो तुमने जी? जिस प्रकार बच्चे की तोतली भाषा माता पिता को प्रिय लगती है, वैसे क्लिंग क्लिंग जब बोला तो माँ भगवती माँ काली सुदर्शन पर प्रसन्न हो गई। इसी प्रकार माँ भगवती भी सुदर्शन की तोतली भाषा पर मुग्ध हो गई। आप भी माँ भगवती को छोटे बच्चे की तरह बुला करके तो देखो, तब माँ आप पर प्रसन्न होगी कि नहीं होगी। कभी माँ नाराज नहीं होती बच्चों पर। अगर माँ बच्चे को मारती भी है ना, जब डांटती भी है ना, तो एक जब चांटा लगाती है ना तो मारती तो है, लेकिन भाव माता का वात्सल्य का रहता है, कहीं इसके जोर से न लग जाए। और आजकल माताओं ने पीटना कम कर दिया, इसलिए लोग इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन पा रहे। हाँ, अब विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चों को भेजा जाता। जब हम लोग पढ़ने जाते थे तब हमको सस्वर वेद पढ़ाया जाता था, हरि ओम स्वसी नैन्द्र बृहद सर्वाह। तो जब हमको वेद पढ़ाया जाता था ना, और जब वेद नहीं आता तो स्वर भूल जाते थे ऐसे करते में, तो गुरुजी झट से यहां मारते थे, हरि ओम माह गायत्री तुष्टुप जगत अनुष्टुम पंत्यासह प्रस्तु स्नेहा ककुसूच भी शम्यंतु त्वाहा। ये वेद मंत्र है। जब याद नहीं होता था तब मारते थे, और उन्होंने मारा तो आज यहां आ गए। और आजकल जब बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है तो पहले ही बोल दिया जाता है कि बच्चों से याद नहीं लगाना। अध्यापक भी सोच लेते हैं हमको तो सरकार तनख्वाह दे रही है, पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी। और सच बात तो साची बात तो ये, जो माँ के हाथ से पिट गया है ना उसका जीवन बन गया। क्लिंग क्लिंग बोलते सुनकर मासूम से बच्चे पर माँ प्रसन्न हो गई, सुदर्शन युवान हो गई। एक रात्रि को सुदर्शन जी सो रहे थे, ठीक रात्रि के 12 बजे माँ ने स्वप्न दिया सुदर्शन को। माँ प्रकट हो गई, माँ शरीर का दिव्य सौंदर्य दिव्य तेज आलादन करने वाली, मन को मन की चित्रवृत्ति को आकर्षित करने वाली माँ भगवती जब स्वप्न में प्रकट हुई, सुदर्शन बड़े प्रसन्न हुए, प्रणाम किया, माँ माँ भजन में दृढ़ता आ गई। ऐसा लगा कि ईश्वर है, जरूरी है, हमारी श्रद्धा से हमारे चिंतन में कमी नहीं हो सकती, लेकिन प्रभु की कृपा में कमी नहीं है। हमारी श्रद्धा में कमी हो सकती है लेकिन प्रभु की कृपा में कमी नहीं है। प्रभु तो दोनों हाथ फैला करके करुणा कर रहे हैं, अब कोई उनका चिंतन ही न करे। अम्मैया ने खूब 10 वर्ष के बाद में अब की बार खूब आनंद किया, बोले जो होगा सो देखा जाएगा। मैंने भी चौपाई बोली ना, धीरज धर्म मित्र और नारी। काशी नरेश के राजा सुबाहु की पुत्री का नाम है शशिकला। सुदर्शन को कहा कि तुम्हारे विवाह शशिकला के साथ में होगा, और शशिकला भी माँ भगवती की अनन्य भक्ति थी। और शशिकला को भी स्वप्न दिया कि तुम्हारा जो पति है वो सुदर्शन होगा। अब विवाह के लिए तैयारियां की गई, और विवाह के लिए जब तैयारियां की गई तब महाराज बेटी ने कहा, माँ भगवती ने कहा कि भरद्वाज आश्रम से में रहने वाला जो सुदर्शन है वो तुम्हारा पति बनेगा। पहले जमाने में बेटियां अपने
वर के बारे में, अपने विवाह के बारे में पिता से नहीं बोलती थी। एक सखी से कहा कि माँ से कह दो कि हम विवाह करेंगे सुदर्शन से करेंगे, क्योंकि माँ भगवती जगदम्बिका ने हमको स्वप्न में कहा है। माँ ने सुबाहु से कहा कि सुदर्शन से विवाह करने की इच्छा जागृत की है पुत्री ने, शशिकला ने। सुबाहु ने कहा, अरे महाराज, जिसके रहने का पता नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, और जिसके पीछे लीलावती का जो पिता है वो सत्राजित ये राजा मारने के लिए तत्पर है, मैं अपने हाथों से पुत्री को अंधकार में नहीं धकेल सकता। और एक बात बताऊं, कितना भी गरीब पिता क्यों न हो, कर्जा लेकर के भी विवाह करेगा, लेकिन यही सोचेगा कि मेरी पुत्री ठीक घर में चली जाए। और पुत्री को भी पूरा भरोसा होता है पिता पर कि जहां भी भेजेंगे मुझे पिताजी अच्छी जगह ही भेजेंगे। शशिकला ने उन्हें हाथ जोड़ करके प्रणाम किया ब्राह्मणों को, साधु ब्राह्मणों को सामने देख करके उन्हें प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो पूछा कि कहां से आए हैं आप, तो कहा कि हम भारद्वाज आश्रम से आ रहे हैं। शशिकला ने कहा, अरे हमें स्वप्न में भी भारद्वाज का आश्रम का पता बताया माने, और क्या क्या है आश्रम पर, बहुत कुछ बताया। तब अंत में बताया कि एक वहां सुदर्शन नाम का भी बालक रहता है, बड़ा यशस्वी, बड़ा तेजस्वी, बड़ा सुंदर बालक है। और देखो जब माँ कृपा करती है ना तो कैसे कृपा होती है। भारद्वाज के आश्रम पर निषाद आया और निषाद ने भारद्वाज को प्रणाम किया और सुदर्शन से चर्चा की और सुदर्शन को अपना मित्र बना लिया। और मित्र बना करके कहा, सुदर्शन अगर तुमको कभी हमारी आवश्यकता पड़े तो हम तुम्हारे साथ हैं। और सुदर्शन को एक रथ भी दिया भेंट में, मित्रता की भेंट में दिया भी जाता है, लिया ही नहीं जाता, भेंट में रथ दिया। देखो माँ की कृपा शुरू हो रही है, रथ प्राप्त हो गया। उधर चारों तरफ समाचार फैल गया कि शशिकला का स्वयंवर होने जा रहा है और स्वयंवर की तैयारियां हो रही हैं। शशिकला ने कहा पिताजी से बड़े बड़े राजकुमार पधारे। शशिकला ने कहा, पिताजी मैं उन राजाओं के समक्ष नहीं जाऊंगी। क्यों? युधिष्ठिर ने कहा कि शशिकला का विवाह तो हमारे ही दोहित शत्रुजित के साथ में होगा, हमको पता है कि सुदर्शन यहां आया हुआ है, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी पुत्री जितनी जल्दी से सौभाग्यवती होगी उतनी जल्दी से ही विधवा को प्राप्त हो जाएगी। बड़े बड़े राजा पधारी, जब राजाए सामने आकर के खड़े हो गए, बैठ गए, तो राजकुमारी ने कहा शशिकला ने, पिताजी मैं स्वयंवर में नहीं जाऊंगी। क्यों बेटी? मैं इसलिए स्वयंवर में नहीं जाऊंगी पिताजी, क्योंकि वहां जो राजा आए होंगे, राजकुमार आए होंगे ना, वो अलग अलग दृष्टि से, वासना की दृष्टि से मुझे देखेंगे, और मैंने मन से सुदर्शन को पति मान लिया है, इसलिए मेरा सतीत्व नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। सुदर्शन पर मां की कृपा कैसे हुई? साधकों इस पर इस इष्ट की कृपा होती है ना, वो सदैव आनंद में रहता है। बारह वर्ष यदि कोई व्यक्ति एक नियम का पालन कर ले, तो इष्ट उस पर प्रसन्न हो जाता है। अवयम सत्त संशुद्धि
गीता के 61वें अध्याय में कहा, महाभारत में, जिसे देवता प्रसाद प्राप्त होता है, जिस पर देवताओं की कृपा होती है, वह निर्भय हो जाता है। परम्बा भगवती महामाया आपके अंदर क्रिया शक्ति रूप से प्रकट हो जाती है। संसार में किसी भी कार्य के लिए तीन तत्वों की आवश्यकता होती है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। ये तीन वस्तुएं हैं, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। आपके मन में किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उससे पहले ज्ञान होगा और फिर उस क्रिया का हम लोग क्रमण करेंगे। भैया आपके मन में इच्छा भाई कि हम भागवत करामें, देवी भागवत की कथा, फिर इच्छा हुई, फिर ज्ञान, ज्ञान के द्वारा आपने बता दिया, अब क्रिया के द्वारा उसको हम सार्थक कर रहे हैं। परीक्षा हुई, तीव्र इच्छा जब होती है वो ज्ञान के द्वारा होती है। लोग कहते हैं भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मैं कह रहा हूं बिना ज्ञान के भक्ति हो ही नहीं सकती। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीन चीजें हैं। बिना ज्ञान की भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना वैराग्य प्राप्त नहीं होता, इसलिए तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है, लेकिन है सबके अंदर। काला काला पिंड ही दिखाई देगा, सूर्य में प्रकाश तो है लेकिन दर्पण मैला है, गंदा है, तो उसमें प्रतिबिंब ठीक से दिखाई नहीं देगा। चश्मा लगाया और ऊपर से उस पर परत लगी हो, और खूब चश्मा लगा लो तुम, सोचोगे अरे रोज रोज तो लगाए करे, आज कैसे नहीं दिखाई दे रहे हो, क्योंकि उस पर परत लगी है, कालापन लगा हुआ है। और जब तक ये कालापन नहीं छूटेगा, जब तक कुछ दिखाई नहीं देगा। ये जो काला है ना, ये संसार की वासनाएं हैं, ये वासनाएं जो हमारी लगी हुई है ना, इन वासनाओं के द्वारा माँ भगवती का प्रतिबिंब, माँ भगवती की जो कृपा है, वो माँ भगवती का जो आशीर्वचन है, वो हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। वो कब प्राप्त होगा, तो ये काला काला जो पर्दा ये हट जाएगा। सुदर्शन माँ की कृपा प्राप्त करके निर्भय थे। माँ ने कहा बेटा तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। शादी होने के बाद सुदर्शन को समझा बाहू ने, शशिकला का विवाह करा दिया। और विवाह के उपरांत कहा बेटा तुम दो चार दिन यहीं रुको, क्योंकि सत्राजित जो राजा है वो तुम्हें मारना चाहता है। सुदर्शन ने कहा ससुर जी आप चिंता मत करो, हमारे ऊपर माँ भगवती की कृपा है। माँ मनोरमा ने कहा बेटा ठीक कह रहे हैं शशिकला के पिताजी, तुम्हें यहीं रुक करके करना चाहिए। तो सुदर्शन ने कहा क्या माँ तुमको माँ माँ जगदम्बिका का, माँ परम्बा का, माँ भगवती की तुम्हें भय है क्या? माँ ने कहा है कि तुम कार्य करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तो महाराज सुबाहू ने कहा बेटा अयोध्या छोड़कर के मैं वापस आ जाऊंगा। शशिकला के पिताजी सुबाहू लेकर के रथ को, सेना को चले, और जब चले तो मनोरमा आगे आगे हैं, सुदर्शन भी हैं, सुबाहू भी हैं, अयोध्या के लिए छोड़ने जा रहे हैं सुदर्शन जी को। उसी बीच में महाराज सत्राजित आ गया, युधाजित आ गया, शत्रुजित आया और आकर के कहा कि पकड़ लो, मार लो इसे। सुबाहू डर गया, अरे इतनी बड़ी तीव्र सेना और ये हमारी छोटी सी टुकड़ी क्या करेगी, हाँ क्या करेगी। लेकिन सुदर्शन ने कहा माँ मुझे माँ पर भरोसा है। और सुदर्शन ने माँ का जब ध्यान किया तो माँ काली के रूप में प्रकट होकर के आई।
और जैसे ही खड़क खप्पर को संभाला और संभाल करके जैसे ही आई तो इधर शत्रुजीत की ओर जो अच्छे राजा थे ना वो तो अपना शस्त्र अस्त्र छोड़ करके और माँ भगवती को प्रणाम करके चले गए, लेकिन जो दुष्टात्मा थे वो दौड़े मारने के लिए और माँ भगवती ने कुछ ही देर में सबका सर्वनाश कर दिया। शत्रुजीत को भी मार दिया और युधाजीत को भी मार दिया। माँ ने कहा सुदर्शन तुम खूब आनंद पूर्वक जाओ, अब तुम्हें किसी से डरने का आवश्यकता नहीं है। माँ बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। सुदर्शन ने कहा माँ मैं तुम्हारा भजन करूंगा, तुम्हारा पूजन करूंगा, तुम्हारा कीर्तन करूंगा। माँ भगवती ने कहा तुम जाकर के मेरा एक मंदिर बनवाना और उस मंदिर में देवी की स्थापना करना और उसमें नित्य भजन और पूजन चलते रहना चाहिए। सुदर्शन ने कहा माँ आप एक मंदिर की बात करते हैं और देवी भागवत जी में ऐसा आया है कि सुदर्शन ने प्रत्येक नगर में अपने राज्य में अनेका अनेक माँ भगवती के मंदिरों का निर्माण कराया है। प्रेम से कहो जय माता दी। एक बात आपसे निवेदन करूं, हम लोग नए मंदिर बनाने की अपेक्षा जो पुराने मंदिर जीर्ण शीर्ण पड़े हुए हैं यदि उनका नव निर्माण करते हैं तो नए मंदिर बनाने से 100 गुना फल प्राप्त होगा पुराने मंदिर को जीर्णोद्धार करने में। जो मंदिर टूटे पड़े हैं, जो खंडित पड़े हैं, उन मंदिरों को बनाने में 100 मंदिर नया मंदिर बनाने से 100 गुना फल प्राप्त होता है। काफी समय की बात हो गई, लगभग मैया जब आपके यहाँ प्रथम या दूसरी कथा हुई होगी उसी के बाद में हमारे आवलखेड़ा के पास में ही एक गांव पड़ता है जहाँ के श्री राम आचार्य जी हैं, वो मेरा स्थान है, गांव है हमारा। उसी के पास में गांव पड़ता है बांधनू, तो वहां पर हमारी कथा हुई भागवत जी की और एक बनखंडी का मंदिर था और भैया उस मंदिर की खाली नाम ही था, बाकी मंदिर भी टूटा हुआ था और वहाँ एक सती मैया हुई थी। पहले पुराने जमाने में माताएं सती हो जाया करती थी, तो एक सती मैया हुई वहाँ पर, तो 2 मंदिर थे वहाँ, दोनों ही मंदिर जीर्ण शीर्ण पड़े हुए थे, बेकार पड़े हुए थे। अच्छा यहाँ से यहाँ की नहीं कह रहा मैं, यहाँ तो सब अच्छे लोग हैं, अपनी ओर मत देख लेना, मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ दान देने में जो भी है लेकिन हमारी तरफ जब कथाएं ज्यादा होती है तो वहाँ दान भी बढ़ चढ़ के देते हैं लोगों ने, किसी ने 41,000, किसी ने 31,000, किसी ने 51,000 ऐसे करके दान किया, बहुत दान आया। अब दान आने के बाद में लोगों ने कहा कि महाराज भंडारा कैसे करें, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्षेत्र है वहाँ कथाएं तो कोई भी करा ले लेकिन सबसे ज्यादा विडंबना भंडारे की होती है और भंडारे में कम से कम 5 लाख रुपए लगता है हमारे यहाँ। अभी हमारी 17 तारीख से जो कथा है, लोगों को कथा की चिंता नहीं है मनीष भैया, लोगों को भंडारा कैसा होगा, बड़ा से बड़ा 5 गांव 7 गांव ऐसे करके और सबको निमंत्रण दिया जाता है और इसमें नाम अपना बड़ा होता है कि भाई फलाने का में कथा हुई और उसमें इतना भंडारा हुआ। और हमारे ये छोटे छोटे भगवानों में ना बने, हमारे यहाँ तो ट्रैक्टर की जो ट्रॉली होती है ना उनमें सब्जी और उसमें खीर और पपुए और ये सब बनता है, बड़ा भंडारा है। तो लोगों ने जब चर्चा होने लगी भंडारे की तो वो चर्चा हमारे पास में आई, हमसे कहा गया कि महाराज भंडारा, हमने प्रार्थना करी उन लोगों से, मैया मैंने देखो जो भी ये पैसा आया है ना अब की बार भंडारा मत करो,
और जो आप हमको देना चाहते हो प्रेम से वो भी हमें मत दो, वो भी इसी में जोड़ लो, और कथा में भी कुछ आया हो तो उसे भी आप इसी में जोड़ लो। लेकिन हमारी प्रार्थना है सब लोगों से कि जो मंदिर जीर्ण शीर्ण पड़ा है इस मंदिर का निर्माण करा दो। भोजन करने वालों से मैं तो कहता हूं 100 गुना नहीं 1000 गुना फल मिलेगा। अब लोगों में चर्चा फैली, बाद में यही हुआ, बोले कि भंडारा नहीं होगा। तो फिर लोग, मैंने कहा भंडारे का तो वैसे भागवत जी में तो नियम ये है 11 या 21 ब्राह्मणों को और कन्याओं को साधुओं को भोजन करा दिया जाए, सबसे बड़ा भंडारा तो वो है, फिर बाकी तो तुम्हारा व्यवहार है, नियम तो यही है। फिर वैसा ही हुआ, वो कन्याओं को ब्राह्मणों को संतों को जमाया और जो पैसा बचा था फिर उससे बनखंडी महादेव का निर्माण हुआ, सती मैया का मंदिर बना। और जहाँ पर हम कथा कर रहे थे वहाँ पर थोड़ा गांव से दूर था वो, तो वहाँ पर एक ऐसा बढ़िया मंच बना दिया पक्का। और उसके बाद में अभी वहाँ कथा करने का सौभाग्य नहीं हो पाया क्योंकि अब मैया आप लोगों के आशीर्वाद से और जगह भी थोड़ा आनंद हम लोग लेते रहते हैं कथाओं का। तो लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हम नए मंदिर के निर्माण की जगह है, अगर जो पुराने मंदिर हैं अगर उनका निर्माण करते हैं तो ज़्यादा फल प्राप्त होता है। कलयुग में पूजा करनी चाहिए, शिव महापुराण में लिखा है। जा शब्द का अर्थ होता है जन्म, अपु शब्द का अर्थ होता है पूजा। पूजा का अर्थ जा माने जन्म, अपु माने ऐश्वर्य। पूजा किस लिए की जाती, बोले ऐश्वर्य के लिए, पुराना दूसरा जन्म न हो इसलिए। लेकिन पूजा अपनी मर्जी से होती है और सेवा सामने वाले की मर्जी से होती है। आप वृंदावन जाएं कभी तो किसी पुजारी से, किसी ब्राह्मण से पूछना, भैया कहाँ जा रहे हो, बोले ठाकुर जी की सेवा करने जा रहे हैं। कहाँ से आए हो, बोले ठाकुर जी की सेवा करके आए हैं। वहाँ पूजा नहीं कहते कि पूजा करके आए हैं। पूजा कैसे होती है बताए ना आपको, हमने बताया पूजा, सुबह जल्दी स्नान किया, ओम जय जगदीश हरि मैया जय अम्बे गौरी, जो भी अपना काम सब करके जल्दी जल्दी धूप बत्ती दीपक लगाया, अरे जल्दी करो टिफिन तैयार करो ड्यूटी जाना है, और जैसा हुआ सर्दी में डुबोक दिया ठंडे पानी से, ये सब कर दिया। अपनी इच्छा से की हुई जो पूजा है उसे कहते हैं पूजा। और सेवा का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा से नहीं, ठाकुर जी को क्या चाहिए कैसे चाहिए वो करना। आजकल लोगों ने, यहाँ की तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन एक कोई बिहारी जी के मंदिर के पास में जो जूता घर पड़ता है ना, अभी विद्यापीठ चौराहे पे जूता घर बना दिया है क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने लगी है ना, तो एक मार्ग से निकलना दूसरे से ऐसे, तो जहाँ जूता घर रखा जाता है ना, कोई आया नालायक और वहाँ ठाकुर जी को ही रख गया जूते घर में। अब बताओ ऐसी भक्ति करने से क्या फायदा। इसलिए भगवान को शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। भगवान तुम्हारी फ्रूटी ना पीते, भगवान आपकी रसोईया में जो बना हुआ वस्तु है ना, वो भी शुद्धता से स्नान करके रसोईया में पोंछा लगा करके। माताएं पुराने जमाने में ना, आज की पढ़ी लिखियों से तो पुराने जमाने की ठीक थी, पहले चूल्हे पर भोजन बनाया जाता था, माता शाम को भोजन बना करके और पोते से उसको शुद्ध करती थी। अब कल भोजन बनेगा तो शुद्ध होना चाहिए, इसलिए भोजन जब भी बनाए तो शुद्धता से बनाए। सुबह का भोजन करें तो पोंछा लगा में रसोईया में, शाम का करें तो पोंछा लगा, रसोईया को झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए महाराज भगवान गीता के 4वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिं भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंतापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक व्यक्ति सुना रहा था कि कोई सज्जन कह रहे थे कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सर्वधर्मान प्रत्यक्षम मामेकम शरणम भजय। ये गीता में लिखा है। हमने कहा गीता जी में यह भी लिखा हुआ है कि जो देवताओं का पूजन नहीं करते, देवताओं का भोग देवताओं को नहीं देते हैं, ये चोर होते हैं। जो भगवान का भोग भगवान को नहीं देते वो चोर होते हैं। और जो बालक अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता वो चोर होता है। इसलिए भैयाओं, श्राद्ध और देवताओं का भोग देवताओं को देना चाहिए। आहार हीनम न पुनंत वेदः। वेद कहता है जो आचार विचार से हीन है, और आचार विचार से हीन कब होगा? जब दूषित भोजन करेगा। उन्हें वेद भी पवित्र नहीं करते हैं, उनका मन भी भजन में नहीं लगता है। देखो आचार विचार से हीन आप चले रामचरितमानस में, और कहां पर चले? जहां पर कुंभकर्ण सो रहा है। कुंभकर्ण सो रहा था, रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और कहा, कुंभकर्ण ने कहा, बताओ क्या चाहते हो? बोले राम से युद्ध करना है। तो कुंभकर्ण कहता है लंका कांड के दोहा नंबर 63 में, जगदम्बा हरि आन सठ अवचागत कल्याण। अरे मूर्ख, तू जगदम्बा को हर के लाया है और तू अपना कल्याण चाहता है? और विभीषण ने भी यही कहा। विभीषण सात्विक था और यह शराबी और मांसाहारी है, लेकिन जब उठा तब इसने एक ही बात कही, रावण मागे कोटि घट मद और महिष अनेक। रावण जानता है कि कुंभकर्ण भी सो की जगह सात्विक है, आहार विचार से शुद्ध है। तब क्या किया रावण ने? मांस और मदिरा का सेवन कराया कुंभकर्ण को, और जैसे ही कराया बुद्धि बदल गई। अब दोहा नंबर 64 लंका कांड का 64 में दोहे का पहला चौपाई पढ़िए। अरे महिष खाई करी मदिरा पाना, महिष खाई करी मदिरा पाना, महिष खाई करी मदिरा पाना, गरजा ब्रह्म गात समाना, गरजा मदरा माने दारू को। अभी कह रहा था मनीष भैया कि जगदम्बा हर आन सठ, जगदम्बा हर आन सठ अब चागत कल्याण। और जैसे ही महिष खाए मदरा पी, महिष खाए करी मदिरा पाना, महिष खाई करी मदिरा पाना, महिष खाई करी मदिरा पाना, महिष खाई करी मदिरा पाना, गरजा ब्रह्म घात समाना, गरजा ब्रह्म घात समाना, गरजा ब्रह्म समाना, गरजा ब्रह्म समाना, महिष खाई करी मदिरा पाना, महिष खाई करी मदिरा पाना। अभी कह रहा था सात्विक बुद्धि के विचार शुद्ध हैं, कह रहा था कि जगदम्बा हरि आन सठ जो चाहत कल्याण। और मदिरा को खाए पिया, महिष को खाया, भाषा बदल गई, गर्जा वज्र समान, कहाँ है राम, लिख के चलो मुझे वहां पर। मेरा कहने का भाव,
आचार विचार शुद्ध होंगे तो भजन बनेगा, और हमारा आचार व्यवहार शुद्ध नहीं है तो फिर भजन नहीं बनेगा। विभीषण रास्ते में मिल गया, उससे गले लगा करके कहा, विभीषण तुम धन्य हो, तुमने कुल को धन्य कर दिया है। पराम्बा भगवती ने सुदर्शन को आदेश दिया कि मेरा मंदिर बनाओ और वहां विधिवत पूजन करो, और सुदर्शन ने अनेक मंदिर बनाए जैसे गाय अपने बच्चे को प्रेम और दुलार करती है, वैसे ही माँ जगदम्बा भी अपने भक्तों को आनंद देती है। प्रेम से कहो जय माता दी, जरा जोर से बोलो, सारे बोलो, आवाज नहीं, देखो माँ से डरो नहीं, माँ भाग्यवालों को प्राप्त होती है। जो गलत काम करते हैं उनको डरना चाहिए, और क्यों डरेगा, माँ करुणामयी है, माँ का हृदय बड़ा जल्दी पिघलता है। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर कहा है, चिता भस्मालेपा करल समनम दीपट धरो जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति कपाली भूते सो भजति जगदीशे कपदवी भवानी त्वत्पाणी ग्रहण परिपाती फलमिदम्। कपाली भूतेषु चित्ताभस्मालेपः, भगवान भोलेनाथ चिताभस्म का लेपन करते हैं। लंबी लंबी जटाएं हैं, दीपक धरो जटाएं, कपाली है, कपाली भूतेशो है, भवानी तत्पाणी ग्रहण पटिहारी पटिपने कुन्दम। अपने हाथ पकड़ के पकड़ने का चमत्कार है कि अमंगल को भी मंगल बना देते हैं। इसी प्रकार से दुर्गा जी में भी 11वें अध्याय का 4वां श्लोक है, तुम वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्य विश्वस्य बीजं परिमासि माया संबोहितं देवि समस्तमेत तुम वे प्रसन्ना भवमो। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां तदधियां हृदये स्वबुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जां तात्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। तुम भी प्रसन्ना भव मुक्ति हेतु, जिन्होंने आपका चिंतन किया है उन्हें आप मुक्ति देते हैं। भोग और मोक्ष देना चाहिए तो माँ की उपासना करें, माँ की शरण में हो जाएं, माँ करुणामयी बन करके आपके समस्त भंडारों को भर देगी। कि जिनकी जटाओं में गंगा की धार और जिनके गले में मुंडों की मार, बड़े ही निराले बड़े ही निराले
मुंडों की